बच्चेदानी को निकालने के लिए बोल दिया था कि पता नहीं क्या होगा, मेरे को बच्चेदानी सेफ रखनी है। मैं मिलवाना चाह रही हूँ हमारे एक नए पेशेंट से। इनका प्रॉब्लम क्या था कि इन्होंने 1 नवंबर को डीएनसी कराया। 1 नवंबर को डीएनसी कराने के बाद आप कंफर्टेबल थे, उसमें कोई प्रॉब्लम थी आपको? नहीं मैम, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर 1 महीना आपका सही से निकला आराम से, फिर उसके बाद आपको 1 तारीख को महीना नहीं आया, क्या हुआ था? पीरियड्स नहीं आया। फिर मेरे 15 डेज मैंने और वेट किया, मुझे क्या पता शायद ऐसा ही होता होगा। फिर पीरियड्स नहीं आया, फिर डॉक्टर को दिखाया क्योंकि क्रैम्पिंग और पेन वगैरह अनबियरेबल था। तो फिर डॉक्टर को दिखाया तो फिर दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें क्या कुछ पीसेस आ रहे थे सोनोग्राफी में। तो पीसेस का साइज आपका काफ़ी बड़ा था, 3 सेंटीमीटर क्वाइट बिग साइज। हाँ तो मैम क्रैम्पिंग जैसे पेन बहुत ज़्यादा था उससे, लेकिन आपको पीरियड्स नहीं आ रहे? पीरियड्स नहीं आया मैम मेरे को बिल्कुल भी। डॉक्टर वगैरह ने बहुत बात कर दी थी कि उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है कि ट्यूमर हो या फिर बच्चेदानी को निकालना पड़े। इतना डरा दिया था तो हमने फिर हाँ बच्चेदानी को निकालने के लिए बोल दिया था। तो फिर वहाँ पे मैं सीकर में, अब मैं हॉस्पिटल का नाम तो लेना नहीं चाहता हाँ, पर बहुत डरा दिया था। तो फिर हमने वहाँ से डॉक्टरों से कंसल्ट किया कि भाई क्या करना चाहिए, तो सजेस्ट किया कि भाई जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल के लिए कि बेस्ट मैम सुशीला मैम सैनी जी। तो उसके बाद हम सीधे यहीं चल के आ गए। और आपने मैम जैसे ही हमने यहाँ पे आए और मिले आपसे तो ऐसा लगा कि शायद इजीली हो जाएगा मैम, हमको डर भी नहीं लगा उससे से के। और ये तो डर भी रहते हैं कि ऑपरेशन जाने से पहले बहुत ज़्यादा कि पता नहीं क्या होगा, मेरे को बच्चेदानी सेफ रखनी है। पर बहुत ईजिली आपने मतलब इसको अटेंड किया मैम, थैंक यू। देखो इसके लिए मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी, जैसे अपन ने डीएनसी कराई तो डीएनसी क्या है कि एक ब्लाइंड प्रोसीजर है, जैसे अपन अंदर से कोई भी चीज़ खुरच के और बाहर निकाल देते हैं। अब उसमें किसी भी डॉक्टर को ये नहीं पता चल पाता कि एक्चुअली में अंदर क्या बचा नहीं बचा या कुछ है। अब उसको देखने के 2 तरीके होते हैं कि आजकल एक विजुअल डीएनसी भी होने लग गई है। विजुअल डीएनसी में जो दूरबीन से डीएनसी होती है उसमें एक मॉर्सिलेटर जैसा चीज़ आता है जो उसमें सारे पीसेस को अंडर विजन हम लोग देख के निकाल लेते हैं। दैट इज़ द बेस्ट वे टू क्लीन द यूट्रस। यानी कि अगर आपको डीएनसी करानी है, एमटीपी करानी है, तो आप उस वे में आप करा सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी बात ये कि यदि आपकी डीएनसी हुई है तो जनरली आपको ही जैसे कि सब मतलब पूरी पब्लिक को मैं एक ही चीज़ कहना कि 7 दिन बाद 10 दिन बाद जाके एक सोनोग्राफी करा लीजिए, जिससे कि अपने को ये पता चल जाए कि जैसे अंदर से सब कुछ क्लीन हो गया या नहीं हुआ। क्योंकि जैसे हम किसी को भी एमटीपी किट देते हैं तो सबको हमेशा ये कहते हैं कि 15 दिन हो जाए तो एक सोनोग्राफी करा के दिखा जाना, रूटीन में है। तो 15 दिन बाद एक सोनोग्राफी करा ली तो क्लियर हो गया कि अंदर सब कुछ साफ है, सब कुछ अंदर कुछ बचा नहीं है। तीसरा, जनरली जो इसके सिम्टम्स होते हैं वो ये होते हैं कि किसी का ब्लीडिंग रुकता नहीं है, यानी कि ब्लीडिंग चलता रहता है, स्पॉटिंग चलता रहता है, तो उसके जल्दी पकड़ में आ जाता है। बट आपके केस में कोई डिफरेंस था कि आपकी ब्लीडिंग हुई नहीं है और आपका महीना ही नहीं आया है, और महीना नहीं आया तो आपने सोनोग्राफी कराई है और तब जाके आपको पता चला कि अंदर इतने सारे पीसेस थे। अब जो हमने प्रोसीजर किया कि हमने दूरबीन डाल के अंदर चेक किया तो अंदर जाके तो पूरे जाले बन चुके थे, यानी कि दीवारें आपस में चिपक गई थी, इतने सारे पीस अंदर पड़े थे, तो काफ़ी सारे पीस अंदर थे, तो उनको पूरा हमने निकाला है। और उसमें क्या होता है कि नई वेसल्स भी बनने लग गई थी जिनको कि एवी मालफॉर्मेशंस कहा जाता था। आपका केस काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो चुका था, इसीलिए आपको डॉक्टर्स ने हाँ बोला कि हो सकता है कि बच्चेदानी निकालने की नौबत आए, क्योंकि अगेन अगर ये ब्लाइंड करते ना तो ये फिर नहीं होता। इसलिए बेस्ट वे है हमेशा किसी भी चीज़ को भाई देख के कर लो कि यानी कि हमने विजन अंडरस्कोप डाला, दूरबीन डाली, फिर देख के जो भी था उसको पूरा लेज़र का इस्तेमाल करते हुए जो वेसल्स बन गई थी उनको सबको सील किया ताकि कोई ब्लीडिंग नहीं हो। क्योंकि अगर हम सील नहीं करते तो ब्लीडिंग होती तो फिर हमें बचाने के लिए बच्चेदानी निकालनी पड़ जाती। इसीलिए आपको जो बोला गया था वो बोला तो सही गया था, लेकिन उस चीज़ को मैनेज करने के लिए आपके पास प्रॉपर संसाधन होने चाहिए। अब क्या होता है छोटे शहरों में बहुत संसाधन नहीं होते, दूरबीन नहीं होती है, तो डॉक्टर भी मतलब लिमिट आने के बाद फैसिलिटी मतलब कैपेसिटी होने के बाद भी फैसिलिटी के अभाव में काम नहीं कर पाते। इसलिए ऐसी अगर कोई चीज़ हो तो अपने को बड़े शहर में मूव करके बड़ा ऐसा सिस्टम ढूंढना चाहिए जहाँ पे कि अपने को सारी सुविधा मिल जाए और कैपेसिटी हो डॉक्टर की, सिस्टम की, दोनों की। क्योंकि अगर डॉक्टर के पास तो बहुत सारी है लेकिन सिस्टम ही नहीं है तो क्या कर ले? आज मेरे पास लेजर की सुविधा नहीं हो, एंडोस्कोप नहीं हो, तो मैं क्या कर सकती? कुछ नहीं कर सकती। तो ऐसी चीज़ों में हमको पूरा अंडर विजन वाली डीएनसी करानी चाहिए जिससे कि अंदर कन्फर्मेशन हो जाए, क्लियर हो जाए और कोई इसी प्रकार की आगे चल के डैमेज नहीं हो। क्योंकि ऐसी स्थिति में बच्चेदानी पूरी तरीके से डैमेज हो सकती है, आगे प्रेगनेंसी होने में तकलीफ आ सकती है। अभी आपकी बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लीन कर दी गई है, अब मेरे हिसाब से आपको आगे चल के कोई परेशानी
नहीं आएगी। ऑपरेशन में आपको कुछ पता चला कि ऑपरेशन में कोई तकलीफ होती है? नहीं मैम, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। कुछ पता नहीं चला। अच्छा, ऑपरेशन के बाद आपको किसी प्रकार की तकलीफ लगी? नहीं मैम, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। और ऑपरेशन के बाद आपका कल शाम को ऑपरेशन हुआ? हाँ, 6-7 बजे के आसपास। ऐसा कुछ फील ही नहीं हुआ। शाम को हुआ पर सुबह 6 बजे से तैयार होके बैठ गई कि मेरे को जाना है, जाना है मेरे को, जल्दी ले मेरे को। ये बात हम जब मरीजों को बताते हैं कि सुबह चलते फिरते मिलोगे और आपको कोई परहेज नहीं रखना पड़ेगा, तो मरीज हमारी बात का तो विश्वास ही नहीं करते। तो आप बताइए प्लीज कि भाई आपको सुबह 6 बजे किसी ने, आपके हस्बैंड ने उठाया था, बिठाया था, या आप ही खुद ही चल रहे थे? नहीं, मैं खुद ही उठ के ही घर बैठी हुई, मुझे घर जाना है, मैं बिल्कुल फिट हूँ, कोई पेन नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल था, ऐसे कि भाई अब ठीक है घर चलो वापस, है ना। तो 12 घंटे के अंदर आप देखेंगे कि मरीज एकदम फिट है जाने के लिए, और हम इसे किसी प्रकार का परहेज बता के नहीं भेज रहे हैं। इसके लिए नहाना धोना खाना पीना घूमना फिरना सब कुछ अलाउड है, पूरा पेट भर के खाना खा सकते हैं, नॉर्मल सीढ़ियाँ उतर चढ़ सकती है, नीचे बैठ सकती है, सब काम कर सकते हैं रूटीनली। 1-2 दिन आप आराम करके अपना रूटीन जो भी आपका काम है उस पर जा सकते हैं। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ एंडोस्कोपी।